नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमने जोधपुर में ही पहली बार ऐसा हमने करने की कोशिश की है जहां पर सभी समाजों के लोगों को जोड़कर समाज सुधार की तरफ काम करें। बिगाड़ बहुत ज्यादा हो चुका है उसकी तरफ, शिक्षा स्वास्थ्य और अवेयरनेस प्लस जो है वो अखलाक जो व्यवहार लोक व्यवहार है वो उसको सुधारने के लिए मैं सेमिनार टाइप कर रखा है। मेन थीम तो हमारी ऊपर है लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी रखा है कि परचेजिंग हो जाएगी, झूले वूले मनोरंजन हो जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए और जागृति पैदा हो। हमारे मेन थीम यही है। हमारे सेकेंड साहब यूनाइटेड उमा वेलफेयर सोसाइटी जोधपुर के तंत्र में हमने खुशियों का मेला नाम से इस मेले का आयोजन किया है। इसमें हमने सभी समाजों को जोड़कर रमजान और ईद का जो पर्व आ रहा है उस पर सभी लोगों को उस मेले में आकर अपनी बेहतरीन और सस्ती खरीदारी करें। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे पूरे समाज के अंदर जो अभी विभिन्न तरह की कुरीतियां फैली हुई है, नशा, बेरोजगारी से संबंधित, तो इस संबंध में हमारे 7 दिन में 7 सेमिनार होंगे जिसमें सभी जो समाज के बेहतरीन जो मौजूद लोग हैं वो इस सेमिनारों में आयोजन में भाग लेकर उनको मोटिवेट करेंगे और समाज के उत्थान और केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो हमारे सब समाज के अंदर हम इस सेमिनार के माध्यम से बताकर समाज का उत्थान और समाज की हर तरह की समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज और आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।